लगभग 22 से 23 सीटों पर हमारे उम्मीदवार जारी होने हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर आज से कल में आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। शाहनवाज हुसैन जी मुसलमान हैं, तो उनको ये बता दीजिए, और बिहार सरकार के एक बड़े मंत्री हैं, उद्योग का जाल बिछाने का काम शुरुआत किया है, इसलिए उनको जानकारी दे दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि राजद के तरफ से डॉक्टर मीसा भारती के साथ साथ फैयाज अहमद को उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके बाद लगातार सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से यह बयान आ रहा है कि अभी भी राजद का MY का जो मोह है वो भंग नहीं हुआ है। इसी को लेकर जब BJP के तरफ से राजद पर पलटवार किया गया, तो राजद के तरफ से यह जवाब आया कि क्या BJP वाले किसी मुसलमान को राज्यसभा भेजेंगे या नहीं। इसी को लेकर जब आज हमने BJP के नेता और बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी से बात की, तो उन्होंने शहनवाज हुसैन का नाम लेकर कह दिया कि राजद वाले जान ले कि शहनवाज हुसैन भी मुसलमान है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी, पहले आप वो सुने। अच्छा, तो उनको एक जानकारी दे दीजिए कि शहनवाज हुसैन साहब बिहार के MLC हैं, उनको ये सूचना दे दी, विधान परिषद और राज्यसभा का जो सीट होता है वो एक तरह से हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के बीच में इसका समायोजन करने का, जो चुनाव नहीं लड़ पाए या किसी कारणवश, तो आप देखिए शहनवाज हुसैन जी मुसलमान हैं, तो उनको ये बता दीजिए, और बिहार सरकार के एक बड़े मंत्री हैं, उद्योग का जाल बिछाने का काम शुरुआत किया है, इसलिए उनको जानकारी दे दीजिए। आप लोगों को लगता है सर, राजद ने अपने कैंडिडेट का नाम घोषणा कर, हमारे यहाँ देखिए वहाँ एक आदमी की पार्टी है, तो एक राजा आए तो राजा ने बयान, राजा के सिपहसालारों ने बयान जारी कर दिया, कैंडिडेट घोषित हो गया। ये जनता के समूह का पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हम लोगों ने यहाँ इलेक्शन कमेटी की बैठक की, कोर कमेटी की बैठक, और हमारा राष्ट्रीय स्तर पर संसदीय बोर्ड की बैठक होती है, बैठक चल रही है दिल्ली में लगातार, और जैसे ही, क्योंकि यह केंद्र पूरा देश में चुनाव के 57 सीटों में लगभग 22 से 23 सीटों पर हमारे उम्मीदवार जारी होने हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर आज से कल में आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने आज राजद पर जोरदार हमला बोला है, और साफ तौर पे उन्होंने उदाहरण दिया है कि बिहार में MLC हैं शहनवाज हुसैन और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री भी हैं, तो कहीं ना कहीं BJP ने मुसलमानों को हमेशा से अपने साथ रखा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने राजद पर जोरदार हमला बोला है, तो ऐसे में राजद की तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। बहरहाल, अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।